हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल बसंत यादव इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर और लाइक करें। किसी भी इंग्लिश पाठ्यक्रम के वीडियो को पाने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पाठ्यक्रम का नाम कमेंट करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, मैं बसंत यादव आज इंग्लिश क्लास 12 में ग्रामर का एक महत्वपूर्ण चैप्टर फिगर्स ऑफ स्पीच यानी अलंकार को बताऊंगा। फिगर्स ऑफ स्पीच लेक्चर वीडियो के माध्यम से दो भाग में विभाजित होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड ने सिलेबस में 7 फिगर्स ऑफ स्पीच निर्धारित किया है, जो सिमली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल, ओनोमेटोपोइया है। फिगर्स ऑफ स्पीच का अर्थ अलंकार है। इसका मुख्य कार्य वाक्य के कथन की शोभा बढ़ाना है। जिस प्रकार शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार भाषा को सुंदर, सरल, सजीव बनाने के लिए अलंकार यानी फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग होता है। लेट्स बिगिन। अभी आप हम बताए हैं फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है। फिगर्स ऑफ स्पीच अलंकार को कहते हैं। अलंकार का अर्थ जो है, जैसा कि अभी बताया गया है, कि उसका मुख्य कार्य वाक्य की कथन की शोभा बढ़ाना होता है। यानी जिस प्रकार नारी की शोभा को बढ़ाने के लिए हमें आभूषण, गहना या श्रृंगार की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार भाषा की सुंदरता, सरलता, माधुर्य लाने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच की आवश्यकता होती है। इसके तमाम व्याकरण लोग इसके डिफिनेशन दिए हैं। ऐसे इसी रेन ये परिभाषा है, ए फिगर्स ऑफ स्पीच इज ए डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए ग्रेटर इफेक्ट। जैसा कि परिभाषा से आपको मालूम होता है कि फिगर्स ऑफ स्पीच साधारण बोलचाल के शब्दों से भिन्न होता है, यानी साधारण बोलचाल के शब्दों से बिल्कुल भिन्न होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। फिगर्स ऑफ स्पीच का उद्देश्य अधिक प्रभाव डालना होता है, यानी टू प्रोड्यूस ए ग्रेटर इफेक्ट। यानी फिगर्स ऑफ स्पीच का उद्देश्य अधिक प्रभाव डालना होता है भाषा पर। इसका अंतिम इस डिफिनेशन का उद्देश्य है कि फिगर्स ऑफ स्पीच के प्रयोग से भाषा अधिक सरल, सुंदर और आकर्षक बन जाती है। यही अलंकार का कार्य है। या उपमा अलंकार हम लोग देखें, ये पहला आपका अलंकार है। इसकी डिफिनेशन को देखें, इन ए सिमली देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स दैट आर सिमिलर एट लीस्ट इन वन पॉइंट इज कॉमन। इस परिभाषा को ढंग से समझे हम लोग, ये सिमली अलंकार जो है भिन्न प्रकार की दो वस्तुओं की तुलना करती है। यानी देखें, डिफरेंट कंपैरिजन होती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, वो भी डिफरेंट काइंड्स के लिए, भिन्न भिन्न जातियों या प्राणियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है उपमा अलंकार में। वो भी दो भिन्न भिन्न जात का होना चाहिए। एक ही जात करें, आदमी से किसी जानवर की तुलना कर सकते हैं, किसी जंतु की तुलना कर सकते हैं, किसी चिड़िया की तुलना कर सकते हैं, तो यह तब वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। हम एक जात से उसकी तुलना नहीं कर सकते, और जब उसकी तुलना जब हम एक जात से
उसी जात से करते हैं, सेम जात से ही करेंगे, तो केवल तुलना हुआ, उपमा नहीं हुआ। उपमा कैसे होता है? सिमिली देर इज ए कंपेरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड, यानी दो भिन्न भिन्न प्रकार के जात, भिन्न भिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट्स की तुलना हम करते हैं तो सिमिली कहा जाता है। उसमें दैट आर सिमिलर एट लीस्ट इन वन पॉइंट इज काम, और उनमें से कम एक बिंदु जो है समान होती है, यानी दोनों में विशेषता होती है एक पॉइंट। जैसे भिन्न प्रकार की दो वस्तुओं की तुलना करते हैं, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के भी होता है कि किसी आदमी से, किसी जंतु की, पक्षी की, या न किसी भी दूसरी जात से हम उसकी तुलना करते हैं, यानी भिन्न प्रकार की दो वस्तुओं की तुलना उसमें होती है। दोनों वस्तुओं का कम से कम एक बात में समान होता है, दोनों वस्तुओं या ऑब्जेक्ट में एक, यानी वन पॉइंट इज कॉमन होता है। ये देखें वन पॉइंट इज कॉमन, कॉमन कर लीजिए, एक पॉइंट इज कॉमन होता है। दूसरा, इसमें इसके प्रयोग के लिए एज लाइक सो का प्रयोग करते हैं, इसे पहचान जाता है कि यह उपमा अलंकार है। जो ही हम वाक्य में एज लाइक सो देखेंगे तो हमें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि यह उपमा अलंकार है, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। यानी एज लाइक सो का प्रयोग उपमा में अवश्य ही होता है, अगर उसमें नहीं है तो वह उपमा नहीं है। तो क्लियर हो गया, फिर से देख लें इसको। सिमिली उपमा अलंकार क्या है कि कंपेरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स, यानी दो भिन्न भिन्न प्रकार के जातियों या वस्तुओं से इसकी तुलना की जाती है, एटलीस्ट वन पॉइंट इज कॉमन, और उसमें से कम एक पॉइंट जो है कॉमन होती है, कम से कम एक पॉइंट कॉमन होती है। भिन्न प्रकार की दो वस्तुओं की तुलना करना, दूसरा दोनों वस्तुओं का कम से कम एक बात में समान होना, एक बात में समान दोनों वस्तुओं में होना चाहिए। एज लाइक सो का प्रयोग करना, यानी एज लाइक सो उपमा में, उपमा के वाक्यों में जरूर आता है, यानी जिन सिमिली अलंकार में जब देखेंगे तो निश्चित रूप से एज लाइक सो का प्रयोग उसमें मिलेगा। जैसे आप देख लें उदाहरण के माध्यम से, माई हार्ट इज लाइक ए सिंगिंग बर्ड, माई हार्ट मेरा हृदय, यानी ये मनुष्य का हृदय और ये सिंगिंग बर्ड एक दूसरी वस्तु है, ये दोनों अलग अलग जात के हैं, ये हार्ट आदमी का और ये पक्षी का, दोनों भिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट हो गए, क्लियर। अब इनकी तुलना हम लाइक से लगा करते हैं, लाइक देखिए, लाइक है सोने से प्रयोग है कि मेरा हृदय जो है गाती हुई चिड़िया के भांति है या चिड़िया की तरह है। अब ये तो क्लियर हो गया ना कि यह हार्ट और ये सिंगिंग बर्ड दोनों भिन्न भिन्न वर्ग, भिन्न भिन्न जातियों का है, और इसमें वन पॉइंट इज का, जैसे यह हार्ट जिस तरह से यह सिंगिंग बर्ड है उसी तरह से हार्ट भी है, तो एक प्रकार से इसमें कॉमन भी है, कॉमन है, वन पॉइंट है। चलिए इसको दूसरे उदाहरण से भी समझ, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, ये लाइफ एक ऑब्जेक्ट हो गया और ये ड्रीम दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ, ये दोनों भिन्न प्रकार के हैं। इस सिमिली अलंकार में आप जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि ये भिन्न ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, भिन्न भिन्न प्राणियों का हो, अभिन्न भिन्न जानवरों जंतुओं जैसा भी, जिन भिन्न प्राणी हो, भिन्न भिन्न वस्तु है, ये सभी जो है भिन्न होनी चाहिए। तो ये लाइफ एक अलग ऑब्जेक्ट है और ड्रीम जो है अलग है, यानी दोनों डिफरेंट काइंड्स हैं। इसमें हम लाइक जो कंपेरिजन को जो शब्द है, कंपेरिजन का जो वर्ड है वह लाइक का प्रयोग किए हैं इसमें। तो ये देखें कि लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जिंदगी एक स्वप्न की तरह है, जिंदगी ये क्या है, स्वप्न की तरह है, ये उपमा अलंकार है। यानी जब हम एक वस्तु की दूसरे ऑब्जेक्ट से, यानी भिन्न ऑब्जेक्ट से जब हम तुलना करते हैं तो वह सिमिली अलंकार हुआ, जैसा कि अभी एक पहले उदाहरण में आपको बताया था कि माई हर्ट इज
लाइक ए सिंगिंग बर्ड। उसने भी आप उदाहरण माध्यम से उसको समझाए। अब हम अगला अलंकार को देखें, देखें मेटाफर यानी रूपक अलंकार को देखें। यह भी एक प्रकार का कंडेंस सिमिली होती है। देखें यहां पर कंडेंस सिमिली होती है, कंडेंस सिमिली मैंने छिपी हुई उपमा जिसको कहते हैं, एक प्रकार का एक कंडेंस सिमिली ही है आपका मेटाफर। इसकी परिभाषा को समझें, मेटाफर इज फिगर्स ऑफ स्पीच इन विच टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड बट वर्ड्स लाइक ए सो आर नॉट यूज्ड। ये कह रहा है कि मेटाफर फिगर्स ऑफ स्पीच में दो ऑब्जेक्ट्स की तुलना की जाती है। क्लियर? मेटाफर में रूपक अलंकार में दो ऑब्जेक्ट्स की तुलना की जाती है, लेकिन वर्ड्स यानी जो कंपैरिजन वर्ड है, कंपैरिजन वर्ड है इस लाइक एज सो, जो कंपैरिजन वर्ड है, जो तुलनात्मक जो शब्द है, इसकी या इसका प्रयोग इसमें नहीं होते हैं। इसको इस तरह से भी समझें कि मेटाफर अलंकार एक प्रकार का छिपा हुआ सिमिली होता है। सिमिली अलंकार में हम एक ऑब्जेक्ट के दूसरे जात के ऑब्जेक्ट की तुलना करते थे, इसमें हम तुलना करते हुए इनको हम दोनों वस्तुओं को एक ही मान लेते हैं। जैसे देखें द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। देखें द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। यह कैमल और यह शिप, ये दोनों भिन्न जात हैं, तुलनात्मक किए हैं, लेकिन यहां यह कह रहा है कि कैमल जो रेगिस्तान का जो जहाज होता है वह जहाज ही नहीं है, बल्कि कैमल को हम जहाज मान ही लेते हैं। यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम एक ही मान लेते हैं, तो यह रूपक अलंकार है। इसे फिर से देख लें कि रूपक अलंकार में हम दो ऑब्जेक्ट्स की तुलना करते हैं, लेकिन उसमें हम लाइक ए शो का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम दोनों को एक ही मान लेते हैं। फिर से देखें लाइफ इज ए ड्रीम, उसमें हम सिमिली अलंकार में क्या देखें कि लाइफ इज लाइक ए ड्रीम पढ़े थे, यानी उसमें हम लाइक ए शो में से कोई प्रयोग किए थे। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें आपका जो है वह शब्द यानी वह कंपैरिजन है तुलनात्मक शब्द जो हटा दिए जाते हैं। ये सीधे देखिए जिंदगी एक स्वप्न है, यहां बता दिया जिंदगी क्या है, एक स्वप्न है। जिंदगी स्वप्न की तरह नहीं है, बल्कि जिंदगी स्वप्न ही है, यानी दोनों चीज को एक ही मान लिया जाता है। फिर से दूसरे उदाहरण के माध्यम समझें, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखें यहां कालिदास और इस शेक्सपियर दोनों दो चीजें हैं। अब यहां ये कह रहा है कि कालिदास इंडिया के शेक्सपियर, कालिदास ये जो है शेक्सपियर की तरह नहीं है, बल्कि वह भारत के शेक्सपियर ही है। यानी कालिदास को हम
शेक्सपियर मान ही लेते हैं। इस तरह से तमाम उदाहरण इसके हैं मेटाफर के लिए। चले अगले हम उदाहरण को या अन्य जो है ये अलंकार को पढ़ते हैं। ये पर्सनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच, इसको हिंदी में हम मानवीयकरण अलंकार कहते हैं। इसकी परिभाषा को समझें कि पर्सनिफिकेशन इज ए फिगर्स ऑफ स्पीच इन विच इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्स्ट्रैक्ट नोशंस आर थॉट ऑफ एज पर्संस आर हैविंग लाइफ। यानी मानवीकरण वह अलंकार है जिसे निर्जीव यानी लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर विचार यानी भाव या विचार जिसको बोलते हैं, यानी निर्जीव वस्तु या विचार को हम जिंदा कर देते हैं अर्थात उसे जीवित कर देते हैं अपनी वाणी से, वही जो है आप पर्सनिफिकेशन अलंकार है। जैसे इसके उदाहरण को देखें कि वह लाइफलेस ऑब्जेक्ट कैसे जीवित होता है, कैसे एड्रेस करके हम उसको जीवित करते हैं। देखें इसको अपॉर्चुनिटी नॉक्स नॉक्स एट डोर बट वंस, अवसर केवल एक बार दरवाजा खटखटाता है। ये देखिए अपॉर्चुनिटी एक निर्जीव पदार्थ है या निर्जीव वस्तु है, और दरवाजा कौन खटखटाता है? जो जिंदा प्राणी है, जो जीवित प्राणी है वह दरवाजा खटखटाता है। यहां अवसर को यानी मौका को हमने जिंदा कर दिया जो दरवाजा खटखटा रहा है, यानी यह निर्जीव वस्तु जो है अब यहां सजीव हो गई है यानी जिंदा हो गई है। अपने भाव से जो व्यक्त करके बताया आपको कि अवसर, फिर से इसको देखें अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट डोर बट वंस, अवसर केवल एक बार दरवाजा खटखटाता है। अवसर क्या है? निर्जीव है, और दरवाजा कौन खटखटाता है? जीवित प्राणी। यानी अवसर को या अपॉर्चुनिटी को जो है हम यहां जिंदा कर देते हैं, यही पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे एक अन्य उदाहरण से भी समझें, लव इज ब्लाइंड। देखिए यहां पर लव इज ब्लाइंड, ये प्रेम जो है अंधा होता है। ये लव जो है निर्जीव वस्तु है, अभाव है, और ब्लाइंड कौन होता है? जो जीवित प्राणी होता है। अंधा कौन होता है? जो जीवित होता है उसी को नाम अंधा कहते हैं। तो यहां हम प्रेम को ही जो है अंधा बना दिए, यानी निर्जीव को भी जो है हम जिंदा कर दिए। तो इसी को हम जो है पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच करते हैं। थैंक्स। देखिए बच्चों, अब इसको हम थोड़ा एक्सरसाइज कर लें। एक्सरसाइज लिखें, पॉइंट आउट द फिगर्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग। आपको ये जो जितने जो 5-6 जो भी दिए गए हैं, इसको केवल पता लगाना है कि कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। जैसे अभी आपको पढ़ा दिए गए सिमली, मेटाफर और पर्सनिफिकेशन, आप इनमें से आप चयन करके बताएंगे कि कौन फिगर्स ऑफ स्पीच, उसके केवल नाम लिखेंगे उसके सामने। देखें इसको इस ढंग से देखें, पॉइंट आउट द फिगर्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग। पहला है द मून वेयर्ड हर फेस, इसे देखें इसको द मून वेयर्ड हर फेस। सेकेंड देखें, फ्रेंडशिप इज ए सेल्टरिंग ट्री, इसे देखें इसको फ्रेंडशिप इज ए सेल्टरिंग ट्री। थर्ड देखें,
द नाइट इज डार्क एज ए ब्लैक स्टोन. इसे देखें इसको, द नाइट इज डार्क एज ए ब्लैक स्टोन. फोर्थ देखें, एक्सपीरियंस ई एक्स पी ई आर आई ई एन सी ई एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर. फिर से देखें, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर. फिर देखें, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज. फिर से देखें, रिपीट करें इसको, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज. सिक्स और अंतिम को देखें, लिव लाइक ए हर्मिट, लिव लाइक ए हर्मिट एंड वर्क लाइक ए हॉर्स. फिर से देखें इसको, लिव लाइक ए हर्मिट एंड वर्क लाइक ए हॉर्स. थैंक्स.